हेलो दोस्तों, सुस्वागतम। तो मैं आज से एक थोड़ा यार न्यूज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो तुम लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बट होपफुली देखो, आई होप तुम लोगों को मजा आएगा। तो आज मैं गेम ऑफ द ईयर अवार्ड देख रहा था एंड यहाँ पर एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल को भी नॉमिनेट किया गया था, जो कि यार काफी काफी काफी, काफी अच्छी बात है। एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल एंड द गेम अवार्ड गोज टू मार्वल स्नैप। तो यहाँ पर तुमने देखा गेम ऑफ द ईयर के लिए एपेक्स नॉमिनेट तो गई थी बट जीत नहीं पाई, सैड फॉर एपेक्स। बट यार अभी मार्वल स्नैप जीत गई। तो मार्वल स्नैप यार एक कार्ड गेम है ये रही, एंड मैंने खेला नहीं तो आई डोंट नो। बट यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती, तुम किसी ने शायद नोटिस नहीं किया, बट ये देखो जब एपेक्स जब सारे गेम्स आते, जब धीरे धीरे एक एक गेम्स का नाम लिया जाता है, तब भाई ऑडियंस की चीखें देखो। Genshin Impact, Marvel Snap. बट जब एपेक्स का नाम आता है, Apex Legends Mobile, Diablo, भाई क्या सुनसान पड़ा भाई, क्या कोई हाइप ही नहीं है भाई। कौन 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 है भाई ऑडियंस में, एपेक्स नहीं पता क्या? अरे अरे ऑडियंस के बंदे के पास ऐसे डिवाइसेज नहीं होगा एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल खेलने के लिए, क्योंकि हाई इन डिवाइसेज चाहिए ना खेलने के लिए, फिर स्किल्स चाहिए ना, होंगे नहीं ऑडियंस पे शायद से, मेरे को लग रहा। जो भी बाय द वे गाइस, जो भी हो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल आई थिंक मेरे हिसाब से द बेस्ट गेम ऑफ 2020 है। मतलब जितना भी उन्होंने प्रमोशन से वो समय होगा फकअप किया है। ऑब्वियसली गूगल प्ले की तरफ से जो अवार्ड हुआ था उसमें एपेक्स बेस्ट गेम ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुका है। 2022 का बेस्ट गेम है तो जितना बनता है। और यूजर चॉइस ही होनी है, मतलब इतने यूजर्स है। बट सीन यहाँ पर खराब होता है जब बेस्ट स्पोर्ट्स गेम ऑफ द ईयर आता है एंड भाई वो वैलोरेंट को दे दिया जाता है। तो वो ठीक है, वैलोरेंट ठीक है। अभी ऑब्वियस मैं उतना फॉलो नहीं करता स्पोर्ट्स एंड पीसी के, यहाँ पर एपेक्स नॉमिनेट तक नहीं होता एंड आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है ये भाई। तो चलो गाइस और आगे बढ़ते हैं। बेस्ट गेम ऑफ द ईयर मिल गया यहाँ पर एल्डन रिंग को। ऑब्वियसली वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का भी मेंशन हुआ था, और ये देखने के बाद क्रेटोस भैया पागल हो गए और भाई उन्होंने आत्महत्या ही कर ली। माँ क्या क्रेटोस ने भी सोचा बाहर में जाए दुनिया। कहीं नेक्स्ट आता है वॉरजोन वाइल्ड के रिलेटेड, तो 15 तारीख या 14 तारीख को एक पैच आने वाला है। मोस्टली 15 तारीख को आएगा क्योंकि 14 तारीख को सबसे फॉरन में आएगा, तो वो चीज 15 तारीख को आया, तो ये मोस्टली लीक है। तो एक पैच आने वाला जिसमें गेम ऑप्टिमाइज हो सकता है एंड मोस्टली डिवाइसेज सपोर्टेड लोग बना सकते हैं काफी अदर डिवाइसेज के लिए, एंड होपफुली वो लोग गायरोस को प्लान देते, काफी अच्छी बात है। मेरे को लगता है नहीं आएगा बट देखते हैं। एंड बीजीएमआई का अनबैन का एक न्यूज आया था, सर्वर मेंटेनेंस आया था, पता नहीं भाई बीजीएमआई फैन बॉयज खुश हो गए। बट माँ क्या तुम लोग बीजीएमआई क्यों खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो, बंद करो भाई, अभी नए गेम सारे उसका वेट करो। पीजा में क्यों खेल रहे हो बट इससे पहले प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट अबाउट द वीडियो अगर तुम लोग अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक प्रॉबली। टाटा फॉर नाउ।